ये सुंदर सी जेंट्स कैप आइए देखें कैसे बनी है। जेंट्स की कैप बनाने के लिए हमने कितने फंदे लिए हैं, कौन से नंबर की सिलाई यूज करी है, वो सब अब हम देखते हैं। ये थोड़ी सी मोटी ऊन है इसलिए हमने 9 नंबर की सिलाई पर बॉर्डर बुना है और ये हम डबल ऊन करके फंदे डालेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सैंपल के फंदे डालकर और बुनकर दिखा रही हूँ और फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि मेन जो हमारी टोपी है उसमें वो कितने कितने फंदे हैं। तो इस तरह से ये हम जब डबल ऊन से डबल सिलाई पर फंदे डालते हैं तो हमारी किनारी ठीक रहती है और वो कभी कभी जैसे टाइट हो जाने की एक नेचर होती है फंदों में, तो वो टोपी में वो फंदे आरामदायक रहते हैं। तो इस तरह से ये हम फंदे डाल रहे हैं। अभी हम 16 फंदे डालते हैं एक सैंपल के लिए थोड़ा सा और उस पर हम ये बुनकर दिखाएंगे आपको। ये हमारे फंदे पड़ जाते हैं जब, उसके बाद हम एक हल्की सी गांठ लगा देंगे और इस एक सलाई को हम निकाल लेंगे। अब हम इनको एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। इसी तरह से हमको ये अपना बॉर्डर लगभग 2 इंच के आसपास बुनना है। तो जो हमने कैप बनाई है ये जेंट्स की, उसमें 110 फंदे हमने बॉर्डर में लिए हैं। 110 फंदे का हम बॉर्डर 2 इंच बुनेंगे। इस तरह से ये हमने एक सीधा एक उल्टा बुन रहे हैं और ये पहली सिलाई जैसे हमने बुनी। अब इसके बाद पलट जाएंगे और ये यहाँ फिर से एक सीधा एक उल्टा हमको बुनना है। ये एक सीधा और एक उल्टा, इस तरह से हम 2 इंच का बॉर्डर बुन लेंगे। ये जो बॉर्डर है ये लगभग 2 इंच का है और ये बॉर्डर बुनने के बाद हमने ये जो हमारा डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा है। ये इसका फ्रंट हम मान रहे हैं और ये इसका बैक है। तो हम ये बैक में देख पा रहे हैं कि ये जो एक उभरापन है ये 4 सलाइयों का डिज़ाइन है। तो हमने बॉर्डर के बाद उसी रंग से एक बार 4 सलाइयाँ बुनी हैं। ये एक 4 सलाई का डिज़ाइन हमने बुना है। यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर लगभग पूरा हो गया है। तो अब एक बार हम 4 सलाई का डिज़ाइन इसी कलर से बुनेंगे। इस टोपी में नीचे 110 फंदे डाले गए हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये 16 फंदे लिए हैं, जब हम मल्टीपल ऑफ 3+2 हमको अब यहाँ डिज़ाइन के लिए चाहिए तो हमको यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। तो वो हम कहीं भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो अब हमारी row 1 शुरू हो रही है। तो row 1 में हम यहीं पर अपना एक फंदा बढ़ा लेते हैं। ये हमारा दो सीधे फंदे हमने बुन लिए। अब उसके बाद हमको एक उल्टा और 2 सीधा, ये हमको पूरी रो दोहरानी है। एक उल्टा और 2 सीधा, एक उल्टा और 2 सीधा। बहुत ही ये आसान डिज़ाइन है, बनाने में भी बहुत आसान है और पहनने में थोड़ा मोटा हो गया है तो कैप के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अब हमारी दूसरी लाइन आई, इसमें हम इसको 2 तरह से बता सकते हैं कि जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनना है, और अगर हम भाषा में बताएं तो ये हमको पहले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं और उसके बाद हमको पैटर्न रिपीट जिसको बोलते हैं, एक सीधा और 2 उल्टा, एक सीधा और 2 उल्टा। इस तरह से ये हमको दूसरी लाइन दोहरानी है। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनना है, ऐसा बोलने से वो आसान हो जाता है समझना। और ये हमने आखिरी के 2 फंदे उल्टे बुन दिए हैं।
अब हमारी जो तीसरी लाइन है उसमें भी हम देखेंगे कि वो है तो जैसी रो वन की तरह, और दूसरी भाषा में कहें तो जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनना है। तो ये दो फंदे हमने सीधे बुने हैं, एक उल्टा बुना है और फिर दो सीधे बुने हैं इस तरह से। अब ये रिपीट कर रहे हैं हम, जो हमारा रिपीट पैटर्न है वो हमारा है एक उल्टा और दो सीधा, या तो हम कहें जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा बुन रहे हैं। तीन लाइनें इसकी बेहद ही आसान है। अब हम इसकी फोर्थ रो पर आते हैं। अभी तक जैसे मैं आपको ये 9 नंबर पर ही बुनकर दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको 8 नंबर से भी बुन सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा खुलेगा तो थोड़ा मोटा रहता है, तो इसमें आप 8 नंबर से बॉर्डर के बाद बुन सकते हैं। अब ये हमारी फोर्थ रो है जो इस डिज़ाइन की मेन है। इसमें हम पहले दो फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। अब उसके बाद जो हमारा ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हमें तीन लाइन नीचे बुनना है। तो ये हम तीन लाइन नीचे किसको कह रहे हैं, ये हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये एक छेद है यहाँ, ये दूसरा छेद है यहाँ, और ये तीसरा छेद है यहाँ। तो तीसरे वाले में हमको डालना है और उसको सीधा बुनना है। ये हम यहाँ इसको में नहीं डालेंगे, इसमें नहीं, तीसरे वाले में हम डालेंगे, और हम इसको खोल भी सकते हैं और नहीं खोलेंगे तो भी वो खुल जाता है, और ये हमको सीधा ऐसे बुनना है तीन रो नीचे। उसके बाद अगले दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और फिर ये एक दो तीन, थर्ड रो में जाकर हम इसको सीधा बुनने वाले हैं। इस तरह से ये जो हमारा फोर्थ रो है वो इस तरह से ये हमारी अच्छी हो जाएगी। यही हमारा डिज़ाइन का मेन लाइन है, ये थर्ड रो, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे जाकर ये हम ऐसे कर देते हैं, खुल जाता है, वो अपने आप खुल जाते हैं वो फंदे। तो इस तरह से ये हमारी चार रो का ये डिज़ाइन है। ये हमारी चार रो अभी पूरी हो गई हैं और अब हम रंग बदलेंगे। ये हमने इस तरह से ये बदला है। अब ये हम आपको दिखाएं कि ये एक बार का ये डिज़ाइन था, अब यहाँ पर ये तीन बार रिपीट किया गया है, ये डिज़ाइन तीन बार रिपीट किया गया है रंग बदल के। आप चाहें तो रंग बदल के कर सकते हैं, जो भी आप दो बार में करना चाहते हैं दो बार में कर सकते हैं, और यदि आप एक ही रंग की बनाना चाहते हैं तो आप एक रंग से भी बना सकते हैं। तो अब हम फिर से पहली वाली रो रिपीट करेंगे, वो है हमारी दो फंदे, हमने पहली बार दो फंदों को हमें सीधा बुनना है, ये हमने दो फंदे सीधे बुने। उसके बाद फिर हमको एक फंदा उल्टा बुनना है और दो फंदे सीधे बुनने हैं, ये हमको दोहराना है, एक उल्टा और दो सीधे। इस तरह से ये हमारी फिर से रो वन शुरू हो गई है, एक उल्टा और दो सीधे, एक उल्टा और ये दो सीधे हैं। पूरी लाइन इसी तरह से बुनी जाएगी। ये आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अब हम ये दूसरी लाइन पर आ गए। दूसरी लाइन में वही है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनना है, या तो ये दो उल्टे बुने हैं और फिर एक सीधा और दो उल्टे को हम दोहरा रहे हैं, एक सीधा और दो उल्टे। ये हमारी रो टू है। एक बार इस रंग में हम करके देखेंगे तो अच्छे से थोड़ा डिज़ाइन दिखाई दे जाएगा आपको, इसलिए मैं इसको करके आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये हमने किया और ये यहाँ पर आकर ये जो ऊन है इसको हम थोड़ा सा यहाँ एक बार गांठ लगा देंगे। अब हमारी तीसरी लाइन है, थर्ड रो है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनना है, या तो, और या फिर हम कहेंगे कि ये हमने पहले दो फंदे सीधे बुने पहली लाइन के जैसा,
और अब हम एक उल्टा और दो सीधे, ये हमारी थर्ड रो है, एक उल्टा और दो सीधे। तो आप थोड़ा अपने हाथ के और ऊन के हिसाब से सिलाई एडजस्ट करें। और अच्छी सी ये टोपी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, गर्म है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये हमारा आखिरी दो फंदे सीधे हो गए। अब हम फोर्थ रो पर आए हैं जो हमारे डिज़ाइन की मेन लाइन है। इसमें हमने पहले दो फंदों को उल्टा बुना और अब हमको नीचे जाना है। तो हमने देखा था एक दो और तीन, जो थर्ड है हमारा, फर्स्ट में नहीं जाना, सेकंड में नहीं जाना, जो थर्ड है, थर्ड में हमको जाकर ये बुनाई करनी है। जो सीधा फंदा है वो थर्ड रो में जाकर बुनना है नीचे। तो इस तरह से उसको हमने नीचे बुना, फिर से हम आए और ये थर्ड रो में नीचे जाकर हमने बुना। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की, हमने हल्के रंग में भी ये डिज़ाइन की एक बार एक लाइन को देखा है। अब इसके बाद हम इस टोपी को कितनी लाइनें बुनी हैं हमने और आखिर में इसको हम बंद कैसे करेंगे, ये अब हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन का, ये देखिए, ये पीछे दिखाई देता है, ये चार चार लाइनों का ये दिखाई दे रहा है। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमने, हम पीछे से ही देखते हैं कि ये हमारा 2 इंच का बॉर्डर था, जैसे बिना मुड़ने वाला ये बॉर्डर है। और उसके बाद ये एक हमने इसी के रंग के साथ बुनी थी लाइन। उसके बाद ये 3 रिपीटिशन है पैटर्न का, मतलब 12 लाइन है, ये 12 लाइन है, ये दूसरी 12 लाइन है, ये तीसरी 12 लाइन है, ये। तो इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 बार तो हमने 12 लाइन बुनी है। और यहाँ पर हमने ये एक एक्स्ट्रा बुना है, मतलब यहाँ पर हमने 4 बार रिपीट किया है। तो अगर हम टोटल देखें तो ये हमने 20 बार डिज़ाइन इसमें रिपीट किया। तो 20 डिज़ाइन रिपीट हुए हैं, मतलब 80 लाइनें ये स्वेटर, ये टोपी में बुनी गई हैं। 4 लाइन का एक है और ये हमने इस तरह से बुना है ये। तो बॉर्डर के बाद ये 80 सलाइयाँ हमने बुनी और अब हम यहाँ पर हैं। अब इसको हम बंद करने वाले हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा साइज़ जो है ये ठीक हो गया है। ये मैं आपको साइज़ दिखाऊँ इसका एक बार, अगर तो ये लगभग 9.5 इंच है, जो कि एकदम ठीक रहता है, ये साइज़ एकदम ठीक बैठता है। तो हम इसको बंद करेंगे ऐसे कि हम सारे फंदों का 2 का जोड़ा बुनेंगे। ये जो हमने जितने भी हमारे फंदे हैं इनका हम ये 2 का जोड़ा बुन रहे हैं। पूरी सिलाई हमको ऐसे ही 2 का जोड़ा बुनते हुए बुननी है। ये जब हम 2 का जोड़ा बना रहे हैं तो आखिर में हमारे 3 रह जाएंगे फंदे, तो हम उनको 2 का जोड़ा एक बना के इसको अकेला भी बुन सकते हैं या 3 का एक साथ भी बुन सकते हैं। आप उल्टे में भी 2 का जोड़ा बना सकते हैं, सीधे में भी, हमको फंदे घटाने हैं बस, यही हमारा मकसद है। अब ये जैसे हम ये 8 नंबर से बुन रहे थे, ये हमने 9 से बुना था, ये 8 से बुना था, तो ये घटाने के लिए हम 10 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं, उससे यहाँ पर थोड़ा टाइट आ जाता है, वो अच्छा रहता है। तो हमने एक बार 2 का जोड़ा बनाया है और अभी हम और भी बनाएंगे। तो ये वाली दूसरी सिलाई में भी हम इन फंदों को घटा रहे हैं अभी और हम ये पूरी सिलाई को 2 का 1 करते हुए बुन रहे हैं। ये 2 बार हमने घटा दिया है लेकिन अभी भी हमको ऐसा है, फंदे थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए हम एक बार और घटाएंगे। मतलब 3 सलाइयों में लगातार हमने 2 का जोड़ा करके फंदों को घटा रहे हैं हम।
ये हम अब तीसरी बार इन फंदों को घटा रहे हैं। अब हमारे पास ये काफी कम फंदे रह गए हैं। अब हम अपनी ऊन को काटेंगे यहां से और इसको सुई में लेकर ऊन को और उन फंदों में हम इसको बंद करेंगे। उन फंदों को ये हमने सुई में लिया, हम डबल ऊन भी ले सकते हैं, थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और इन फंदों को हम इस तरह से सुई पर उतार लेंगे, इन सारे फंदों को। ये सुई पर हमने सारे फंदों को उतारा है और ये यहाँ पर हम इसको पकड़कर और ये सुई को यहाँ खींच लेंगे। इसको हमें डबल ऊन रखनी है और इस तरह से ये हमने यहाँ इन फंदों को बांध लिया। ये सारे फंदे हमारे एक साथ हो गए हैं और ये ऊन में हम नॉट लगा के गांठ लगा देंगे इसमें। और ये हमारी टोपी अब बस साइड से हमको सिलना है और ये टोपी तैयार है। अगर इसमें ये जैसे हमारी सुई है यहाँ, हम चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है ऊन के बीच में, तो इसको हम इस तरह से यहाँ घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे करके इस ऊन को यहाँ पर हम भर देंगे, जो थोड़ा छेद है, गड्ढे हैं या गैप है, जो भी समझिए आप, तो इस तरह से वो हम कर देंगे और ये भर जाएगा, ये सारा गैप जो है ये भर जाएगा। अब इसके बाद हमको ये साइड्स जो हैं इसकी वो सिलनी है। जब हमने ये टोपी बुनी थी, जब हम बुन रहे थे इसको, तो हम हर जगह ये ऊन थोड़ी थोड़ी छोड़ते हुए गए। इसी ऊन से हम यहाँ मैच कराते हुए इसको सिलेंगे, इस टोपी को ये लाइन से लाइन मैच कराते हुए हम इसी ऊन से, हर जगह हमारी ऊन है तो हमको और ऊन जोड़नी नहीं पड़ेगी और इसी ऊन से ये हमारा मैच होके टोपी सिल जाएगी। इस तरह से हमने इसको मैचिंग कराकर लाइन से लाइन मिलाकर हमने सिल लिया है। मैं एक ये लास्ट वाला आपको दिखाती हूँ कि ये हम ऊपर से पहली बार सिल रहे हैं, फ्रंट साइड से। इसको हम फ्रंट मान रहे हैं तो इसको हमने फ्रंट साइड से सिला है और फिर इस वाली ऊन से हम बैक साइड से इसको अंदर की तरफ से सिल देंगे। तो ये एकदम बढ़िया सिलाई हो गई है। वैसे तो ये रिवर्सिबल है डिज़ाइन, आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से ये हम जाएंगे अंदर और इस वाली ऊन को हम यहाँ पर एक हल्की सी गांठ लगाकर और फिर हम इसको छिपा देंगे। ये हम यहाँ पर ले जाकर इसको हम छिपा देते हैं इस ऊन को। और इसी तरह से दूसरी वाली जो ऊन है उसको भी हम अंदर लाकर उसको सिल देंगे, इसको भी हम सिलने में यूज़ कर देंगे। आशा है आपको ये कैप अच्छी लगी होगी, ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, ये बॉर्डर बनाना है और उसके बाद ये चार लाइन का डिज़ाइन रिपीट करना है। ये एक बार, फिर तीन बार, फिर तीन बार, फिर तीन बार, फिर तीन बार, तीन बार और यहाँ पर चार बार। इस तरह से ये हमारा साइज़ जो है वो बैठ गया है, ये रिवर्सिबल डिज़ाइन जेंट्स कैप। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।